Right now, I am at Jantar Mantar, where New Zealand migrants are protesting. Those New Zealand migrants who arrived in India 1 year before COVID-19, but now they have stuck in India. We will talk to the migrant and try to know what's their demand and what's their worry regarding this issue. सभी लोग जहाँ न्यूजीलैंड से आए थे और लास्ट ईयर में आए थे बॉर्डर बंद होने से पहले, और न्यूजीलैंड ने 19 मार्च 2020 को विदाउट एनी नोटिस अपने कंट्री का बॉर्डर बंद कर दिया। हम वहाँ के टेम्परेरी रेजिडेंस हैं, वहाँ रहते थे कुछ स्टूडेंट वीज़े पे, वर्क वीज़े पे, और हम अपने रीज़न के साथ हम इंडिया में आए थे और यहाँ स्टक हो गए। अभी तक हमें मोर देन 1.5 ईयर हो गया और अभी तक हम स्टक हैं, हमें कुछ भी एश्योरेंस नहीं मिला। तो हमने यहाँ पे भी एम्बेसी में भी काफ़ी सारे जो न्यूजीलैंड एजेंट एम्बेसी है उसको भी कॉन्टैक्ट करा, बट हमें कोई रिस्पॉन्स अभी मिला नहीं है। इसलिए ये प्रोटेस्ट हमने करा है। हम लोगों ने एजुकेशन लोन लिया था काफ़ी, उसके इंस्टॉलमेंट अभी पे कर रहे हैं, बट हमारी अर्निंग कुछ भी नहीं है, हमारी सेविंग भी ख़त्म हो गई है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर्स वहाँ पे हैं अप्रोक्सीमेट दो साल से, और एक पार्टनर यहाँ पे है। तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट एज अ ह्यूमनिटी ये सोचना चाहिए कि एक पार्टनर को अलग अलग करना बहुत टफ है। ये बहुत टफ सिचुएशन है। एक पार्टनर दो साल से उधर रह रहा है, एक पार्टनर इधर से रह रहा है। फैमिली मेंबर्स न्यूजीलैंड में स्टक हैं, आधे इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर पार्टनर्स ऐसे भी हैं, जैसे एक पार्टनर उधर स्टडी करके वर्क वीज़ा पे उधर है, एक पार्टनर इधर पे स्टक हो रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी हम ऑलमोस्ट 8 से 10 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से चंडीगढ़ है, जलंधर है, अमृतसर है। उससे पहले भी हम दिल्ली पे भी एक बारी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी गवर्नमेंट ने, इधर इंडिया गवर्नमेंट हो और इधर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हो, हमारी अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये देखो, हम जो हमारे MP वगैरह है, हम उनको भी मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें किसी ने सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन उनकी उनके साथ भी कोई अभी तक कोई सपोर्टिंग आंसर नहीं आया कहीं से भी। ये हम जो हमारे इंडिया के वहाँ पे न्यूजीलैंड में हैं, जैसे मान लो इंडिया रीजन के हैं, जो उनको भी हमने, जो उधर की पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उनको भी हमने मैसेज डाला है, मेल डाली है। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मेल करी है, लेकिन किसी भी मेल का कोई भी हमें को आंसर नहीं आया अभी तक। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो अभी एक्टिव पार्टी में पार्लियामेंट मेंबर हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो, ये लेबर पार्टी के हैं, बलजीत कौर जी हैं, इनको डाला है, मैसेज डाला है, लेकिन ये प्रियंका राधाकृष्ण है, MP हैं उधर के, इनको मैसेज डाला है। इंडिया रीजन के हैं सारे के सारे। डॉक्टर गौरव शर्मा हैं, ये भी MP हैं, अभी गवर्नमेंट में हैं। ये बहुत सारी हमारे पास ऐसी मेल हैं जिनमें सब तरह की हमने अपने साथ वालों की कंडीशन लिख के भेजी है, स्टोरी लिख के भेजी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सलूशन नहीं आया है। मैं आई थी अपनी वेडिंग के लिए और 19 मार्च को बॉर्डर क्लोज कर दिया था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। एटलीस्ट जैसे इन्होंने बिना बताए ही बॉर्डर क्लोज कर दिया था, इनको चाहिए था कि एटलीस्ट हमें 24 या 48 आवर्स देते हैं ना, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, सीधा बंद कर दिया। अभी ये खोल नहीं रहे हैं, इनको एटलीस्ट इन्होंने सभी ऑफशोर्स के वीज़ा एक्सटेंड कर दिए, विच इज़ वेरी गुड, बट दे शुड कंसीडर अस टू।